अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? वालेकुम अस्सलाम मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप? वालेकुम अस्सलाम मैम। ठीक ठीक। अच्छा जनाब, मैम जी जी मैम, आपने आज दो लेक्चर्स पढ़ाने हैं ना? हाँ जी, छोटे छोटे हैं, वो इतने लंबे नहीं है। ठीक है, वो इसी में हम लोगों के कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। 7 लेक्चर्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, 8 और 9 हम इंशाल्लाह आज पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोगों का एक रह जाएगा, वो थोड़ा सा डिटेल्ड है, वो इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको कवर कर लेंगे। ठीक है जी। और अच्छा हाँ जी, इस एग्जाम का ये, इस सब्जेक्ट का ये है कि आपका सिर्फ फाइनल एग्जाम होगा। ठीक है, इसका वाइवा नहीं है। लास्ट टाइम कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, वाइवा इसका नहीं है, किसी को असेसमेंट भी ऐसे नहीं होती। ठीक है, और सिर्फ फाइनल एग्जाम होगा, और एग्जाम में जो है वो पैटर्न मैं डिसाइड कर लूंगी। वैसे ये है कि मेरा थोड़ा सा इसी तरह है कि थोड़ा सा इसमें सिनेरियो बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे एक दो, और साथ आपका जो है वो इसमें कुछ एमसीक्यूज होंगे। अब एमसीक्यूज किस तरह के होंगे, वो ऐसे होंगे कि कोई भी सिनेरियो इस तरह का दिया जा सकता है जिसमें से आपसे स्टेप्स पूछे जाएंगे कि आपने सबसे पहले क्या करना है। अब हम पिछले लेक्चर्स में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं कि अगर आपने कम्युनिकेट भी करना है तो आपने कैसे करना है। ठीक है, तो वो कुछ चीज़ें उस तरह से, यानी आप अगर अच्छे तरीके से लेक्चर्स को पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके लिए पहला स्टेप जो है उसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, या कोई स्टेप दे के पूछा जाएगा कि इसके बाद आपने क्या करना चाहिए अगर कम्युनिकेशन की बात है तो। ठीक है जी, तो इस तरह के, यानी आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो एमसीक्यू उसी के अंदर से ही आएंगे, बाहर से कुछ नहीं आएगा। थोड़ा सा यानी ये कि आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, लेक्चर सुन लेना गौर से, तो आप लोगों का काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। मैम कितने मार्क्स का क्वेश्चन, कितने मार्क्स का पेपर होगा? पेपर आपका जो पेपर्स का फुल परसेंटेज वाला ही होगा, और मार्क्स भी मैंने इसके डिवाइड नहीं किया, मार्क्स में कर लूंगी। पेपर्स का थोड़ा सा यानी बड़ा ही होता है, क्योंकि तारीफ पूरे कोर्स का एक ही आपका एग्जाम है मैम। लेकिन मैम आपने कहा था कि फाइनल पेपर जो है 100% होता है, तो वो उसमें मार्क्स कटने के है, तो आपने बोला था हमें स्टार्टिंग में कि आप डिवाइड कर देंगी, हमें कोई असेसमेंट दे देंगी, तो उस तरह हाफ मार्क्स असेसमेंट भी लेकिन नहीं, बाकी मार्क्स फाइनल का नहीं। नहीं, मैंने इस चीज का कंफर्म किया, तो असेसमेंट इसकी ऐसा कोई नहीं है, इसका सिर्फ फाइनल एग्जाम ही होता है। ठीक है, ये मैंने चीज कंफर्म कर ली है। मुझे था कि शायद वाइवा भी इसका होगा, लेकिन नहीं, कि वाइवा भी नहीं है और सिर्फ इसका एक एग्जाम ही होगा। ठीक है, तो लेकिन मैम वो ना दूसरी मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि वो आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि अगर वो आपको देना चाहे तो असेसमेंट दे सकते हैं। आप लोग असेसमेंट देना चाहते हो, सारे बिलिंग को देने के लिए टाइम है आप लोगों के पास, वाइवा का इशू तो नहीं है? मैम मैम देखिए, मैम आप वाइवा के बाद ले लें, और मतलब इस टाइम पे लें कि हमारा पेपर बाद में आए और हमारा जो असेसमेंट है वो पहले आ जाए, मतलब हमारी वाइवा, हमारा फाइनल की भी तैयारी हो जाएगी और हमारा असेसमेंट भी हो जाएगी और हम लोग वाइवा देखेंगे। फिर आप लोग ऐसा करें, मैं आप लोगों को वीक बता देती हूँ कि किस वीक में जो है ना हम इसका रख लेंगे प्लान। एक मिनट, जुलाई, अगस्त और मैम फर्स्ट मतलब 2.5 वीक जो है अगस्त के, वो हमारे वाइवास में चले जाने हैं। हाँ जी, ये है कि फिर आप जो 23rd से लेकर ऑनवर्ड्स आपका 28 वाला जो वीक है डेट्स के अकॉर्डिंग, उस वीक में या 16 से ऑनवर्ड्स जो प्लान हम कर लेते हैं। असेसमेंट आप लोग ऑन कैंपस ही आकर देंगे, फिर सबको ऑन कैंपस आना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए ऑनलाइन नहीं होगी असेसमेंट। कुछ बच्चों का ही रह जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हम जहाँ पे मैनेज कर सकते हैं उस तरह से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह है। अब मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि 50% के असेसमेंट ले लूँ, या ऑलमोस्ट 40% के असेसमेंट पहले ले लूँ और 60% का आपका फाइनल एग्जाम हो जाए, इस तरह? ठीक है, 40% के असेसमेंट ले लें, 60% का हमारा फाइनल ले लें, क्योंकि मैम फिर इस तरह ये होगा क्योंकि कम मार्क्स डिटेक्ट होने के चांसेस होंगे, वरना 100% का अगर हम फाइनल पेपर देंगे तो फिर उसमें चांस ज्यादा हो जाएंगे, मतलब हमारी मिस्टेक। वैसे नहीं है, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है ना ये, इतना मैम हमारे भी वाइवास हैं, तो अगर तो फाइनल ही है तो फिर हम फाइनल भी देते, क्योंकि हमारे वाइवास हैं, तो फिर डेट ऐसी रखे ना मैम, वरना फिर फाइनल ही है, क्योंकि असेसमेंट तो हमारी है ही नहीं। वाइवा के बाद ही तो ले रही हैं मैम, वाइवा के बाद ही तो ले रही हैं। पैथो के वाइवा भी 20 तक खत्म होंगे, उसके बाद जाके, अब उससे पहले अगर हमारा वाइवा होता तो हम किस तरह असेसमेंट भी दें, तैयारी करें, उसकी भी तो तैयारी ही करनी है। मैं एग्जैक्टली यही चीज कह रही हूं, किस टाइप की लेंगी असेसमेंट? वही प्रॉपर बनी हुई है, जब असेसमेंट है ही नहीं तो आप वाइवा की तैयारी करके बस, वाइवा फाइनल की तैयारी करके बस फाइनल दो।
मुझे तो कोई इशू नहीं है, मेरी तरफ से तो यही है कि फाइनल ही ज्यादा बेहतर है. और वैसे मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि आप लोग फाइनल के एग्जाम की प्रिपरेशन ही कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी आप लोग खुद बहुत फंस जाओगे, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि आप वाइवाज अपने बाकी सब्जेक्ट से प्रिपेयर करो, प्रिपरेशन करो और क्या करो. और ये मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट अभी एक तो क्लास में बच्चे भी सारे, एक तो आप लोग आते नहीं हो क्लास में, मेरे पास ऑलमोस्ट 140 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, 144 की स्ट्रेंथ है, तो 144 बच्चों में से मेरा ख्याल है दो या तीन का दिल कर रहा होगा असेसमेंट देने को, बाकी सबका कोई इरादा नहीं है असेसमेंट देने का, ऐसा ही है. Yes, मेरा तो यही ख्याल है. अगर जो बच्चे असेसमेंट देना चाहते हैं वो जरा अपने हैंड रेस करेंगे, जो अभी मेरे पास कोई ऑलमोस्ट 54 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं असेसमेंट देना चाहते हैं, सिर्फ वो. सिक्स हो गए हैं जी. और जी इन सिक्स स्टूडेंट्स के अलावा कोई अगर असेसमेंट अपनी देना चाहता है बिफोर फाइनल्स, और बीच में आपके वाइवर्स भी और सारा कुछ है, सेवन हो गए हैं जी. और बस अब ये आप लोग खुद देख लें कि 50 इस टाइम 58 स्टूडेंट्स आप लोग हो गए हैं, 57 है ये नहीं. मैम बस आप फाइनल इजी सा बना दें और हम अच्छा सा फाइनल कर लेंगे. कि आप यार ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल है ही नहीं, आप लोग इसमें टेंशन ना लो, इस सब्जेक्ट में क्या है अभी तक. हां मैम आप फिर ले लें, मैम फिर आप ले लें, फाइनल कोई इशू नहीं है. मैं तो बस ये कह रही हूं कि ये ना हो क्या, मतलब 100% नहीं, ऐसा नहीं होता. आप लोग सब्जेक्ट आप लोगों ने खुद भी देखा है कितना इजी है, इसमें सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, काफी बातें कॉमन सेंस वाली हैं, बस ये है कि उनको जरा तरीके से बताया हुआ है. बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, आप लोगों ने खुद देखा है सारा कुछ. इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी समझ में ना आ रही और जो आपने कभी पहले वो चीजें नहीं पढ़ी हुई, ठीक है. तो आसान सा सब्जेक्ट है, इजी हो जाओ, कुछ नहीं होता. एग्जाम भी इसका इसी तरह का होगा, थ्योरेटिकल सा होगा, यही चीजें पूछी जाएंगी, सिनेरियो बेस्ड, हल्की फुल्की भी पेशेंट आया, आपने उसको उसको ये मसला, आपने उसको कैसे डील किया, वो इस तरह की चीजें उसमें होंगी, बहुत आसान होगा, कोई इतना मसला नहीं है उसमें, ठीक है. इतना पैनिक ना करो, अच्छा होगा. यस मैम फिर हम फाइनल दे देते हैं, लेकिन मैम ये बता दें कि इसका फाइनल सबसे एंड पे होगा या सबसे मतलब मिड में होगा बाकी फाइनल्स के साथ. ये तो बेटा ये तो डेट शीट जब आएगी तो उस टाइम पता चलेगा ना, मैं अभी तो नहीं ना बता सकती उसके लिए तो नहीं ना तैयार करते रहते, जो बीच में थोड़ा बहुत टाइम है आप इसको देखना शुरू कर दो, 10 तो लेक्चर है टोटल, तो आपको इतना क्या टेंशन है. दिन में एक लेक्चर भी देखो, स्लाइड्स भी कितनी थोड़ी है इसकी, तो स्लाइड्स भी इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है. तो आप इसकी तैयारी शुरू कर दो, आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हो, बस अब पूरा सेमेस्टर आपने पढ़ा ही नहीं जब एक सब्जेक्ट, तो एंड पे आके पढ़ना, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना मैम. आप स्लाइड्स पढ़नी है, मतलब स्लाइड्स में से ही आएगा ना पेपर. हाँ स्लाइड्स में से आएगा बिल्कुल, और कहाँ से आना है. स्लाइड्स पढ़ लो, लेक्चर सुन लो, सारा कुछ उनमें एक्सप्लेन किया हुआ है. कुछ नहीं समझ आती तो मेरे से पूछ लो, बता दूंगी. जी जी मैम आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थोड़े रखिएगा, मतलब एमसीक्यू थोड़ी रखूंगी, वो सिर्फ वो थोड़ा ही होगा, और वो भी इस तरह का सिनेरियो. अब सब्जेक्ट यार आप लोगों ने देखा है, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, और अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा भी तो वो कोई मेडिकल रिलेटेड सिनेरियो नहीं होगा, वो सिंपल से इसी तरह का होगा कि कोई पेशेंट है तो आपने उसको किस तरह से जो है वो हैंडल करना है, क्या करना है, कोई भी अगर मतलब आपने रिस्क को मिनिमाइज करना है तो क्या क्या उसमें फैक्टर्स होने चाहिए, इस तरह की चीजें हैं. बस ये आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना कि जो कुछ टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी हैं, जो कुछ थ्योरीज पढ़ी हैं, जैसे हम लोग वो पढ़ चुके हैं स्पाइक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ऐसे एक फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ चुके हैं, चीज वाला मॉडल पढ़ चुके हैं, स्विस चीज मॉडल, इस तरह की चीजें जो नहीं है ना थोड़ी सी, उनको जरा अच्छे से देख लेना, ठीक है. तो बस ये चीजें हैं, बाकी एक दफा मेरा ये मशवरा है कि अपने जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ना, इंशाल्लाह वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, इसके बाद ही नहीं हमारी क्लास नहीं होगी. नेक्स्ट लेक्चर से पहले, लास्ट लेक्चर से पहले जो है ना, आप लोग जो अब ये वाला वीक है इसमें अगर आप लोग एक दफा कोशिश करो कि जो सारा अभी तक हम लोगों ने जो 9 टॉपिक्स आज हम लोगों के हो जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह, तो आप लोग इनको एक दफा गो थ्रू कर लो, इसमें से जो चीजें समझ नहीं आ रही है वो फिर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बता देना, फिर हम एक पेशक उसका रिविजन लेक्चर भी रख लेंगे अगर कुछ नहीं समझ. ओके मैम देख लेना इस पूरे वीक में, सिर्फ इतना सी इतनी सी एफर्ट कर लो. हाँ जी लेक्चर 8 है. इस पूरे वीक में जो है वो इतनी सी एफर्ट कर लो कि जो है ना थोड़े से स्लाइड्स खोल के एक दफा उनको गो थ्रू कर लो सारे लेक्चर्स की, ठीक है. सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आज वाले जो है वो मैं आज कर दूंगी इंशाल्लाह, तो वो आप उनको देख लेना, ठीक है जी. अच्छा जी, अब हमारे पास जो हमारा टॉपिक 8 है वो है मिनिमाइजिंग इन्फेक्शन थ्रू इम्प्रूव्ड इन्फेक्शन कंट्रोल. इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड है बेसिकली, कि आप जो है इन्फेक्शन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और इन्फेक्शन कंट्रोल वाला जो सारा प्रोसीजर है आप उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ठीक है जी. लर्निंग ऑब्जेक्टिव अब इसमें क्या है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, नजर आ रहा है सबको, चेंज भी हो रही है स्लाइड्स. यस मैम
अच्छा अब हमारा इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू डेमोंस्ट्रेट द डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ इनएडिक्वेट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड नो हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन. अब इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हमने ये देखना है कि जो हमारे पास अगर इन्फेक्शन कंट्रोल वाला जो सारा प्रोसीजर है वो इनएडिक्वेट है, जो सारे हमारा कंट्रोल का जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा प्रोटोकॉल है वो इनएडिक्वेट है, वो हम उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके हमारे पास इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं, ठीक है, और हमने उन इफेक्ट्स को मिनिमाइज कैसे करना है, इन्फेक्शन को कंटामिनेशन को उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं. ठीक है जी. अब नॉलेज रिक्वायरमेंट अब इसमें क्या है कि टू नो द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द इन्फेक्शन, कि आपको इन्फेक्शन का जो है वो प्रॉब्लम पता हो, उसका एक्सटेंट पता हो कि ये कितनी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है. सेकंड नंबर पे क्या है कि टू नो द मेन कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, कि आपको किसी भी इन्फेक्शन के मेन कॉजेज और उसकी टाइप्स पता हो. ठीक है जी. परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि अप्लाई यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं किसी भी इन्फेक्शन से रिलेटेड, उसमें यानी यही है कि आपने हैंड वॉश करने हैं, आपने प्रोटेक्टिव गियर इस्तेमाल करना है, सारी जो चीज़ें हैं वो यानी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं वो आपने अप्लाई करनी है. बी इम्यूनाइज अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, यानी हेपेटाइटिस बी और सी की जो है वो आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए. ठीक है जी. यूज पर्सनल प्रोटेक्शन मेथड्स, जो पर्सनल प्रोटेक्शन मेथड्स हैं यानी वही बात हो गई, ग्लव्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है. एंड टू नो वट टू डू इफ एक्सपोज, अगर आप एक्सपोज हो जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से तो आपने उसके बाद क्या करना है. ठीक है जी. एनकरेज अदर्स टू यूज यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, कि आपने अपने साथ साथ जो बाकी लोग हैं किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में भी वो अगर नहीं इस्तेमाल करें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस तो आपने उनको इनकरेज कैसे करना है. जैसे अभी सबसे बड़ी इन्फेक्शन वाली चीज़ में हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपकी कोरोना वायरस की है. ठीक है जी. तो इसमें यानी अब इसमें आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, दूसरों को इनकरेज कैसे कर सकते हैं, जो मास्क नहीं पहनते मास्क पहने, अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, अगर आप लोगों ने नहीं करवाएं तो जाके करवाएं अपनी वैक्सीनेशन. ठीक है ना. तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सारा कुछ आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है. वट इज अर्जेंसी, अर्जेंसी अब इसमें क्या है कि कैन नो लॉन्गर रिलाय ऑन एंटीबायोटिक्स. अब इतनी हमें जरूरत क्यों है इन्फेक्शन कंट्रोल की, हम उसका टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अब हम एंटीबायोटिक्स के ऊपर उस तरह से रिलाय नहीं कर सकते. हमारे जो अब सारे बैक्टीरियाज हैं वो उनके जो है वो रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं विद टाइम. ठीक है, शायद आप लोगों ने खुद भी फील कर लिया हो. अब एंटीबायोटिक्स भी हमें अगर कोई छोटी मोटी भी इन्फेक्शन हो जाती है तो हमें हैवी एंटीबायोटिक्स उसके लिए लेनी पड़ती हैं, छोटी मोटी एंटीबायोटिक्स तो असर करना बंद कर गई हैं काफी हद तक. ठीक है जी. तो इसलिए अब आप एंटीबायोटिक्स के ऊपर उस तरह से रिलाय नहीं कर सकते. इंक्रीज रेट्स ऑफ नोजोकोमल इन्फेक्शन, नोजोकोमल इन्फेक्शन जो है बेसिकली ये होती हैं जो आपकी हॉस्पिटल एक्वायर्ड होती हैं. ठीक है, यानी हेल्थ केयर एसोसिएटेड जो आपकी इन्फेक्शन होती हैं वो होती हैं, यानी मतलब जो बंदे ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं हॉस्पिटल में तो उनको हॉस्पिटल से किसी और तरह की इन्फेक्शन लग गया तो वो आपकी नोजोकोमल इन्फेक्शन होती हैं. ठीक है, तो उनके जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं. इन्फेक्टेड पेशेंट्स जो हैं उनका आप क्या नुकसान है कि दे स्टे लॉन्गर इन हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल में स्टे लंबा करना पड़ता है, उनकी इन्फेक्शन ही नहीं मतलब उस तरह से ठीक हो पाती. डाइट देख मतलब उनकी जो है वो अगर इन्फेक्शन बाद होता है कि पेशेंट आया किसी और प्रॉब्लम के साथ है, लोगों को मिल इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो गया और उसके बाद उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन मजीद बढ़ गई हैं जो कि उसकी डेथ कॉज कर सकती हैं. ट्रीटेड विद मोर टॉक्सिक एंड लेस इफेक्टिव ड्रग्स. अब ये है कि वही बात है कि ड्रग्स जो है वो टॉक्सिक ज्यादा होती जा रही हैं और इफेक्टिवनेस उनकी जो है वो कम होती जा रही है. प्रोन टू सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस. अब जो इस तरह के इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं अगर सर्जिकल साइट्स उनकी हैं यानी सर्जिकल पेशेंट्स हैं उनकी सर्जरीज हुई हुई हैं तो वो जो उनका इंसिजन वाली जो साइट है वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो इन रीजंस की वजह से ये हम लोगों के पास एक वजह है जिसकी वजह से हम इन्फेक्शन कंट्रोल वाले सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं. कैंपेन्स टू डिक्रीज इन्फेक्शन रेट्स. अब इस चीज़ को किस तरह से जो है वो इतना प्रमोट किया जाता है, कैंपेन्स डिफरेंट चलाई जाती हैं. अब WHO की तरफ से, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन की तरफ से और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट की तरफ से, ये तीन चार कैंपेन्स के नाम है कि ये कैंपेन्स जो है वो चलाई गई. ठीक है जी. और इनका मकसद बेसिकली क्या था, वो यही था कि जो इन्फेक्शन रेट्स हैं उनको डिक्रीज किया जाए. उसमें WHO की क्लीन हैंड्स आर सेफर हैंड्स कैंपेन है. ठीक है जी. उसमें ये हैंड वॉशिंग टेक्निक से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं. फिर इसके अलावा एक आपके पास कैंपेन थी टू प्रिवेंट माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन हेल्थ केयर सेटिंग और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट की जो 5 मिलियन लाइव्स कैंपेन थी वो इस तरह थी. 5 मिलियन लाइव कैंपेन में इस तरह से था कि 24 मंथ्स के लिए जो है ना वो इन्होंने मतलब कैंपेन इस तरह से चलाई गई थी कि 2 सालों के लिए इन्होंने इस तरह से एफर्ट करनी थी, जो सारी आपकी जो पूरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसने इस तरह से एफर्ट करनी थी कि उन्होंने 5 मिलियन लाइव्स जो है ना उनको सेव करना था, उनको बचाना था कोशिश करके किन चीज़ों से, उस इन्हीं हार्म्स वगैरह से या इन्फेक्शन से और इन चीज़ों से. ठीक है जी. यानी उसके लिए फिर डिफरेंट स्टेप्स लिए गए, डिफरेंट मेजर्स लिए गए, डिफरेंट हॉस्पिटल्स को बीच में इन्वॉल्व किया गया, उन हॉस्पिटल्स की रेटिंग की गई, यानी काफ़ी कुछ जो है वो इस कैंपेन में हुआ था. ठीक है जी. उसके बाद अब आपके पास आती हैं कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन. इसमें क्या है कि अब आपके पास कॉजेज में मेन कॉजेज में क्या आ रहा है कि पर्सन टू पर्सन आपकी इन्फेक्शन फैल सकती है वाया हैंड्स ऑफ
हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पेशेंट्स एंड विजिटर्स यानी हाथों से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं. फिर पर्सनल इक्विपमेंट यानी स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करें आप किसी और का, कोई भी डिजिटल असिस्टेंट है वो आप इस्तेमाल करें, क्लोदिंग आप यानी अगर आप जैसे अगर क्लिनिकल सेटिंग में जाते हैं आप लैब कोट किसी और का पहन रहे हैं वो चीज़ें भी इन्फेक्शन बढ़ाने की वजह बनती हैं. ठीक है जी. इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन है, इन्वायरमेंट में जो कुछ कंटेमिनेंट्स हैं वो आपके पास इन्फेक्शन का कॉज बन रहे हैं. इसके अलावा एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, कैरियर्स ऑन द हॉस्पिटल स्टाफ है, हॉस्पिटल स्टाफ भी कैरियर हो सकता है. इसके अलावा जो कॉमन सोर्स आउटब्रेक्स हैं वो भी आपके पास हो सकते हैं. जैसे अब हमारे पास इस टाइम जो आउटब्रेक हमारा कोरोना वायरस का चल रहा है. ठीक है जी. तो ये आपके इन्फेक्शन के कुछ मेन कॉजेज हैं. अब अगर आप ये चीज़ें पूछते हो कि आपको MCQs किस तरह के आएंगे तो उसमें ये हो सकता है कि इस लाइन में से कोई एक ना दिया हो, ठीक है, और या कोई एक गलत दिया हो. ठीक है, तो ये चार आपको ऑप्शन दिए हों तो उसमें से आपने सेलेक्ट करना होगा कि जैसे मैं ये पूछ लूँ कि ये सारे आपके पास मेन कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन है एक्सेप्ट इसके अलावा. तो अगर ये सारे लिखे हुए अगर कोई एक जो है वो ऐसा नहीं है जो कि मेन कॉज हो सकता है इन्फेक्शन का तो वो आपने चूज करके उसको टिक कर देना. ठीक है जी. तो ये नहीं इस तरह के क्वेश्चंस बीच में से बन सकते, आसान होगा, इतने पेपर की टेंशन नहीं लो. फिर उसके बाद है कि मेन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन अब क्या आ सकते हैं. इसमें सबसे कॉमन जो आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, UTIs हैं, दे आर यूजुअली एसोसिएटेड विद कैथेटर्स, यानी वो हॉस्पिटल वाले पेशेंट्स या बेडरिडन पेशेंट्स जिनको कैथेटर लगाए हुए हैं, उनको यूरिन बैग्स वगैरह लगे हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं UTIs के, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के. इसके अलावा एक तो सबसे मेजर जो इन्फेक्शन आपके पास UTI ही है. उसके अलावा फिर सर्जिकल इन्फेक्शन हैं, वही इंसिजन साइट्स के ऊपर जो इन्फेक्शन हो जाती हैं वो हैं. इसके अलावा ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हैं एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इंट्रावेस्कुलर डिवाइसेस. कोई इंट्रावेस्कुलर डिवाइसेस इस तरह की लगाई हुई हैं वो जो है इवेंचुअली क्या करती हैं कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कर सकती हैं. तो कोई भी यानी एक्सटर्नल चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो इन्फेक्शन का खतरा तो उसमें होता है. इसके अलावा निमोनिया एसोसिएटेड विद वेंटिलेटर्स हैं. इसके अलावा अदर साइट्स जो है वो आपकी इन्फेक्शन की मतलब टाइप्स में आ जाती हैं. फिर अभी आपके पास एक ग्राफ की फॉर्म में बताया हुआ है बेसिकली कि कौन से इन्फेक्शन हमारे पास ज़्यादा कॉमन है. सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे पास यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है जी. इसके अलावा अब हमारे पास हॉस्पिटल में प्रिवेंशन कैसे हैं, कैसे कर सकते हैं हॉस्पिटल में. सबसे पहले ये कि विजिबली क्लीन सब कुछ होना चाहिए. इंक्रीज क्लीनिंग ड्यूरिंग आउटब्रेक, स्पेशली आउटब्रेक्स में जैसे कोई भी अगर वबा फैली हुई है उसमें जो है वो क्लीनिंग वाला जो सारा प्रोसीजर है उसको आप इंक्रीज करते हैं. ठीक है, जैसे अब हॉस्पिटल्स में चलो हमारे हॉस्पिटल्स में तो सफाई का आपको बहुत आला इंतजाम नहीं है पाकिस्तान में स्पेशली, लेकिन कोशिश फिर भी अच्छे हॉस्पिटल्स में ये की जाती है. ठीक है, और लेकिन जब से ये कोरोना वाला सारा आउटब्रेक हुआ था और सारा कुछ हुआ था तो ये चीज़ें हम सब ने ऑब्जर्व की है. अभी इवन अभी भी कर रहे हैं कि मतलब हम लोगों का जो सैनिटाइजर्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं. क्लीनिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया पहले की नस्बत. हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, हाथों का भी, लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं, धोने का भी, ग्लव्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन के लिए ही हो रही हैं. इसके अलावा यूज़ हाइपोक्लोराइट एंड डिटर्जेंट्स ड्यूरिंग आउटब्रेक, यानी अब वही है कि आपने हाइपोक्लोराइट और स्ट्रेंथ डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करने हैं जो कि आप हेल्प कर सकते हैं क्लीनिंग में. ठीक है जी. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल करके इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं. अच्छा जी, फिर आपके पास चीज़ आती है प्रिवेंशन थ्रू हैंड वॉशिंग. हैंड वॉशिंग के थ्रू आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू क्लीन हैंड्स, आपने हाथ अपने धोने कैसे हैं. रैशनल फॉर चॉइस ऑफ क्लीन हैंड प्रैक्टिस, यानी कि जो आपने क्लीन हैंड प्रैक्टिस है, हम बार बार ये बात करेंगे हाथ धोने चाहिए, तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे गोल क्या है, इसका रीज़न क्या होना चाहिए. ठीक है, फिर टेक्निक फॉर हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन क्या आपके पास टेक्निक होनी चाहिए. जो अभी आप लोगों ने अभी भी देखा होगा, इवन टीवी पर भी बार बार एड्स चले हैं इस चीज़ के, प्रॉपर कैंपेन्स चली हैं, बाहर भी आप लोगों ने पोस्टर्स लगे हुए देखे होंगे काफ़ी जगह पर, अपनी यूनिवर्सिटी में भी इवन लगे हुए हैं कि आपने जो है वो हैंड वॉशिंग टेक्निक्स किस तरह से इस्तेमाल करनी है, कितने टाइम के लिए हाथ धोने हैं, किस तरह धोने हैं, फिंगर्स कैसे साफ करनी है, वो सारी चीजें. ठीक है जी. फिर प्रोटेक्टिंग हैंड्स फ्रॉम डीकंटैमिनेंट्स हैं, जो डीकंटैमिनेंट्स हैं उनसे आपने जो है वो अपने हाथों को जो है वो प्रोटेक्ट करना है. प्रमोटिंग एडहेरेंस टू हैंड हाइजीन गाइडलाइंस, यानी कि जो हैंड हाइजीन की जो भी गाइडलाइंस है वही वाली बात है, जो भी इस तरह की आपको गाइडलाइंस दी गई है तो आप प्रमोट भी करना है और आपने खुद भी उनसे एडहेयर करना है, खुद भी आपने उनको इस्तेमाल करना है. प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने इस्तेमाल करना है जिसमें आपके ग्लव्स आ जाते हैं, एप्रन्स आ जाते हैं, फेस मास्क आ जाते हैं. ये चीज़ें अब वो हैं, ये सारी बातें जो कि आप अगर इवन किसी क्लिनिकल सेटिंग में जाते हो आपने तब भी ये अप्लाई करनी है. और इसके अलावा अभी जैसे आजकल की हम बात कर रहे हैं, जैसे अब ये अब तो सबसे ज़्यादा हमारी यानी कॉमन एक वो चीज़ हमारी ज़िंदगी का जो हिस्सा बन गया वो कोरोना वायरस ही है. ठीक है, तो कोरोना से रिलेटेड भी है कि इवन बाहर जाते हुए आप लोगों के घर में भी इस तरह की प्रैक्टिस होगी कि अक्सर लोग जो है स्पेशली बड़े जो है वो ग्लव्स वगैरह पहनते रहे हैं. ठीक है, इवन अभी भी शॉपिंग वगैरह के लिए, ग्रोसरी के लिए जाते हुए ग्लव्स पहने जाते हैं. ठीक है, तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने इस्तेमाल करना है, मास्क इस्तेमाल करना है, एप्रन्स जो अब हम डेली नहीं इस्तेमाल कर सकते लेकिन ग्लव्स और मास्क एटलीस्ट जो है वो होने चाहिए.
फिर इसके अलावा ये है कि जो शार्प्स हैं इस तरह की यानी नीडल्स वगैरह है उनका सेफ डिस्पोजल होना चाहिए, ये भी इन्फेक्शन बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कॉज है कि कीप हैंडलिंग टू अ मिनिमम, डू नॉट रीकैप नीडल्स बेंड और ब्रेक आफ्टर यूज, के जो जो भी नीडल्स हैं इंजेक्शन हैं उनको लगाने के बाद उनको एक तो रीकैप ना किया जाए, उससे भी खतरा होता है कि वो आपको दोबारा से लग सकती हैं, बेंड नहीं आप इनको करें, ब्रेक ना करें इनको, डिस्कार्ड ईच नीडल इन टू अ शार्प कंटेनर एट द पॉइंट ऑफ यूज, इनके शार्प कंटेनर्स होते हैं, आप स्पेशली जब भी इंजेक्शन लगवाने के बाद इस चीज को देखें भी, इस चीज को कहें भी, ठीक है, और खुद भी अगर आप के पास इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप इस चीज को जो है वो इस्तेमाल भी करें कि जो शार्प कंटेनर्स होते हैं तो आप उसमें रख कर अपनी जो डिस्कार्ड कर दें जो भी आप मेटल इस्तेमाल करें उसको. डू नॉट ओवरलोड अ बिन इफ इट इज फुल, स्पेशली जो इन्फेक्शियस वेस्ट वाली बिन है उसको आप ओवरलोड मत करें, ठीक है जी. डू नॉट लीव अ शार्प बिन इन द रीच ऑफ चिल्ड्रन, कोई भी इस तरह की बिन जो है वो बच्चों की पहुंच से जो है वो दूर होनी चाहिए, ठीक है जी. परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स क्या है आपसे, क्या वही एक्सपेक्ट किया जाता है कि अप्लाई यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी सी, या अभी जो इवन हमारा कोरोना वायरस चल रहा है उसके अगेंस्ट भी आपको इम्यूनाइज होना चाहिए. यूज पर्सनल प्रोटेक्शन मेथड्स एंड नो व्हाट टू डू इफ एक्सपोज एंड एनकरेज अदर्स टू यूज यूनिवर्सल प्रिकॉशंस. ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में स्पेशली आजकल जो है वो आप लोगों ने अप्लाई करनी है. एक्ट टू मिनिमाइज स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, अब आप स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कि बिफोर कॉन्टैक्ट विद ईच एंड एवरी पेशेंट, क्लीन हैंड्स बिफोर टचिंग अ पेशेंट एंड क्लीन हैंड बिफोर एन एसेप्टिक टास्क, यानी अब आपने हर पेशेंट से कोई भी कॉन्टैक्ट करने से पहले ये कि आपने एक तो हाथ साफ करने हैं किसी भी पेशेंट को टच करने से पहले, और कोई भी जो आपका एसेप्टिक टास्क है उसको करने से पहले जो है तब भी आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए. आफ्टर कॉन्टैक्ट with each and every patient, clean hand after. एक मिनट मैं बताती हूँ इसको. After contact with each and every patient, clean hands after any risk of exposure to body fluids. यानी आप किसी भी patient को जब touch कर रहे हैं और आपने कोशिश ये करनी है कि patient के जो body fluids हैं उनके साथ आपका exposure जो है वो कम से कम हो, ठीक है जी. इसके अलावा ये है कि अब आपके पास जो है clean hands after actual patient contact. अब जब एक तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को प्रिवेंट करना है कि पेशेंट की जो बॉडी फ्लूइड्स हैं किसी भी तरह के हो गए, आपने उससे जो है वो क्या कहते हैं मतलब अपने आप को सेफ रखना है, ठीक है जी. एक ये तो हो सकते हैं कि विदाउट टचिंग भी आपको ये लग सकते हैं पेशेंट के बॉडी फ्लूइड्स हैं, यानी वो लीक हो रहे हैं कहीं से कुछ भी हो रहा है, तो आपने पूरी कोशिश ये करनी है कि आप उससे दूर ही रहें, ठीक है जी. उसके बाद ये है कि क्लीन हैंड्स आफ्टर एक्चुअल पेशेंट कॉन्टैक्ट, आपने यानी पेशेंट से जब कॉन्टैक्ट किया है, जैसे अगर आप फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स हैं आपने पेशेंट के साथ आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आपने उसके उससे पहले भी अपने हाथ साफ रखने हैं, उसके बाद भी अपने हाथ साफ रखने हैं किसी और पेशेंट के पास जाने से पहले, ठीक है जी. इसके अलावा ये है कि अब आपने क्लीन हैंड्स आफ्टर कॉन्टैक्ट विद पेशेंट सराउंडिंग, यानी पेशेंट के सराउंडिंग, यानी सिर्फ ये नहीं कि पेशेंट को टच करने के बाद भी, इसके अलावा पेशेंट की सराउंडिंग्स में भी जो पेशेंट के रिलेटेड चीज़ें हैं उसके कपड़े हैं कुछ भी है उसे कॉन्टैक्ट करने के बाद भी आपके जो हाथ हैं वो आपने साफ करने हैं, उनको धोना है, अपनी जो है वो टेक्निक इस तरह की इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी. अब आपके पास चीज़ आती है कि एसेप्टिक टास्क कौन से होते हैं. एसेप्टिक टास्क बेसिकली वही टास्क होते हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हो इसी तरह के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है जी. इसके बीच में यानी एसेप्टिक टेक्निक्स आ जाती हैं, आप वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप लोगों ने जो है इन सबका मकसद यही होता है कि आपने जो है वो किसी को भी यानी जो पेशेंट की जो भी इन्फेक्शन है इन्फेक्शन कंट्रोल में इनका सारा काम होता है, ठीक है जी. इसके बीच में ये आ जाता है आपके ग्लव्स वगैरह भी आ जाते हैं, एंटीसेप्टिक्स आ जाते हैं, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है. तो उनसे पहले भी जो है वो आपके हाथ साफ होने चाहिए, ठीक है जी. इनकरेज अदर्स टू पार्टिसिपेट इन इन्फेक्शन कंट्रोल, दूसरों को आपने जो है वो पार्टिसिपेट कैसे करवाना है इन्फेक्शन कंट्रोल में, कि स्टूडेंट्स मे रूटीनली ऑब्जर्व स्टाफ हु अप्लाई इन एडुकेट टेक्निक्स इन हैंड वॉशिंग, फेल टू वॉश हैंड एंड रूटीनली वायलेट करेक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर. क्या आप अगर ऐसे स्टाफ को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब आप क्लिनिकल सेटिंग में जा रहे हैं, कोई ऐसे आपको लोग मिल गए हैं वहाँ पे जो इस तरह की किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इन एडुकेट टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ नहीं सही तरीके से धो रहे हैं, धो ही नहीं रहे हैं बल्कि, ठीक है. इसके अलावा यह है कि जो भी करेक्ट एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, प्रॉपर प्रोसीजर है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपने उनको इनकरेज करना है, ठीक है जी. और उनको आपने इस चीज़ के मतलब फ़ायदे बताने हैं, जो चीज़ें अभी आप लोगों ने पढ़ी हैं आप लोगों ने उनको भी जाकर बतानी है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि इवेंचुअली ये सारा हमारा जो जो पेशेंट सेफ्टी का गोल है वही इससे अचीव होगा, कि आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें. वही अगर सिर्फ आप हाथ ही धोना शुरू कर देते हैं तो आप काफ़ी हद तक जो है वो इन्फेक्शन से अपने आप को भी बचा रहे हैं और दूसरों को भी बचा रहे हैं, ठीक है जी. अब इसकी समरी में सारी यही चीज़ें हैं कि टू नो द मेन गाइडलाइंस इन ईच ऑफ द क्लिनिकल एनवायरमेंट्स यू आर असाइंड, आपको सारी मेन गाइडलाइंस पता हो. इसके अलावा एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, लेट स्टाफ नो इफ सप्लाईज आर इनएडुकेट और डिप्लीटेड हैं, एजुकेट पेशेंट्स एंड फैमिलीज विजिटर्स अबाउट क्लीन हैंड्स एंड मैम आपकी आवाज कट रही है, एजुकेट करें.
मैम एक मिनट. Ensure patients on precautions have same standards of care as others. Frequency of entering the room. मैम आपकी आवाज कट रही है. कि आप सारी precautions का भी इस्तेमाल करें. सबको आवाज ऐसी आ रही है या सिर्फ एक दो बच्चों को मसला है? मेरा तो वैसे कनेक्शन अभी तक तो ठीक ही चल रहा है. चलें जी, इसमें से मेरा नहीं ख्याल को पॉइंट मिस हुआ है, आप लोग एक दफा देख लीजिएगा. अगर कोई मिस होगा तो हम उसको दोबारा रिपीट कर लेंगे. ठीक है जी, तो ये आप लोगों का जो टॉपिक 8 था वो हो गया कम्प्लीट. इसके अलावा हम लोगों का टॉपिक 9 है, वो भी छोटा सा है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोग फ्री हैं. ठीक है जी. एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ. मैम जी जी एक मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ. अब स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी. हम लोगों का टॉपिक 9 है, पेशेंट सेफ्टी एंड इन्वेसिव प्रोसीजर्स. ठीक है जी, के इन्वेसिव प्रोसीजर्स में जो है वो आप पेशेंट सेफ्टी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं. ठीक है जी, इन्वेसिव प्रोसीजर से मुराद आपके सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं. इसके बीच में क्या क्या चीजें आती हैं, अब इसमें हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है. कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक इज टू अंडरस्टैंड द मेन कॉजेज ऑफ एडवर्स इवेंट्स इन सर्जिकल केयर एंड हाउ दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग वेरिफिकेशन प्रोसेसेस टू इंश्योर द करेक्ट पेशेंट रिसीव द राइट प्रोसीजर एट द राइट टाइम एंड प्लेस. यानी बेसिकली इसमें आप लोगों ने किस चीज़ को इंश्योर करना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि जो सर्जिकल केयर के बीच में जो एडवर्स इवेंट्स होते हैं उनके कॉजेस क्या हो सकते हैं. ठीक है जी, इसके अलावा ये कि आप उनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले जो एक मेन प्रॉब्लम आता है वो पेशेंट वेरिफिकेशन का आता है. कुछ नेग्लिजेंस इस लेवल पर भी आती है कि गलत प्रोसीजर जो है वो गलत पेशेंट के ऊपर परफॉर्म कर दिया जाता है. यानी वो पेशेंट अगर किसी और प्रॉब्लम के साथ आया है और उसके ऊपर कोई और सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म होना था लेकिन किसी भी रीजन की वजह से कोई पेशेंट आपस में इंटरमिक्स हो गए हैं तो गलत प्रोसीजर जो है वो किसी और पेशेंट के ऊपर हो गया है. ठीक है जी, तो इस चीज़ को मतलब इंश्योर करना कि ऐसा ना हो तो ये सारी चीज़ें इसके बीच में, इस हेडिंग के बीच में आ जाती हैं. नॉलेज रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि द मेन टाइप्स ऑफ एडवर्स इवेंट्स एसोसिएटेड विद सर्जिकल एंड इन्वेसिव प्रोसीजरल केयर और द वेरिफिकेशन प्रोसेसेस फॉर इंप्रूविंग सर्जिकल एंड इन्वेसिव प्रोसीजर केयर. यानी कि आपको मेन टाइप्स ऑफ एडवर्स इवेंट्स पता हो जो कि इस तरह के सर्जिकल प्रोसीजर्स में आ सकते हैं. दूसरे नंबर पर ये कि जो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को आना चाहिए कि किस तरह से हो सकता है और ये आपकी जो भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं उनको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. अच्छा जी, आप सबसे पहले परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं कि टू फॉलो अ वेरिफिकेशन प्रोसेस टू एलिमिनेट रॉन्ग पेशेंट रॉन्ग साइड एंड रॉन्ग प्रोसीजर. यानी कि एक पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जिसको आपने फॉलो करना है. कुछ उसमें क्वेश्चंस हैं, कुछ उसमें चेकलिस्ट है, एक बेसिकली उसको फॉलो करना है. उसका आपके पास मकसद क्या होगा, टू एलिमिनेट द रॉन्ग पेशेंट रॉन्ग साइड एंड रॉन्ग प्रोसीजर. कि आप गलत पेशेंट के ऊपर या गलत साइड के ऊपर, यानी अगर आपने पेशेंट की लेफ्ट लेग का सपोज करेंगे, अगर लेफ्ट लेग का जो है उसका
कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना था वो नहीं कर सकते, लेफ्ट साइड पे करना था आपने नहीं किया, आपने राइट साइड पे कर दिया, ठीक है जी। तो एक ये चीज आ जाती है, इसके अलावा ये कि रॉन्ग प्रोसीजर है, ये चीजें इन सबको जो है वो आपने एलिमिनेट करना है। प्रैक्टिस ऑपरेटिंग रूम टेक्निक्स दैट रिड्यूस रिस्क एंड एरर्स, और कुछ ऑपरेटिंग रूम की टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि इस तरह के रिस्क और एरर्स को रिड्यूस करती हैं, जिसमें एक टाइम आउट है, ब्रीफिंग डीब्रीफिंग्स हैं, स्टेटिंग कंसर्न्स हैं। टाइम आउट बेसिकली ये होता है कि जो है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले ही, बल्कि यानी जब पेशेंट को आप ऑपरेटिंग टेबल पे लिटा देते हैं उस टाइम पे, जब आपका सारा स्टाफ प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पे टाइम आउट लिया जाता है। उस टाइम पे टाइम आउट लेके 2 मिनट का यानी ब्रेक लेके इस चीज़ को कन्फर्म किया जाता है, सारा स्टाफ इस चीज़ को कन्फर्म करता है कि ये पेशेंट करेक्ट है, यानी यही वाला पेशेंट था जिसके ऊपर हमने ये वाली सर्जरी परफॉर्म करनी थी और इसके पीछे इसका रीज़न ये था, और ये मतलब जो है वो पेशेंट की, अगर जैसे वही बात है सर्जिकल साइट की बात हो रही है कि अगर उसका लेफ्ट साइड का कुछ परफॉर्म करना है, कोई इस तरह का प्रोसीजर है तो वो लेफ्ट पे ही परफॉर्म हो रहा है, राइट पे तो नहीं हो रहा है, यानी इस तरह की चीजों को जो है, इस तरह की कोई भी अगर एम्बिग्युटी है तो उसको दूर किया जाता है, ठीक है। टाइम आउट में से होता है ब्रीफिंग डीब्रीफिंग, बेसिकली मीटिंग्स होती हैं स्टेटिंग कंसर्न से रिलेटेड, इनसे मतलब ये होता है कि जो भी कंसर्न उनको स्टेट उसमें किया जाता है, मीटिंग्स होती हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं इसमें, इस तरह की चीजें बेसिकली जो ऑपरेटिंग रूम टेक्निक्स हैं ये की जाती हैं, ठीक है जी। पार्टिसिपेट इन एन एजुकेशनल प्रोसेस फॉर रिव्यूइंग सर्जिकल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, यानी अगर कोई भी आपके पास इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज हो रही हैं, एजुकेशनल एक्टिविटी प्रोसेस हैं, ये स्पेशली हॉस्पिटल्स में ज़्यादा होते हैं, सर्जिकल हॉस्पिटल्स में जहाँ पे सर्जरीज हो रही हों तो वहाँ पे इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज वर्कशॉप्स वगैरह रखी जाती हैं, जहाँ पे जो है वो रिव्यू किया जाता है कि भाई मतलब यहाँ पे इतनी सर्जरीज हो रही हैं तो हमारे यानी यहाँ पे मॉर्बिडिटी रेट इतना ज़्यादा है, पेशेंट्स की डेथ इतनी ज़्यादा हो रही है, और अगर वो सर्जिकल प्रोसीजर्स की वजह से हो रही है तो उसको आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, आप लोग इस तरह किसी सेटिंग में जाते हो तो ये चीज़ें इनमें पार्टिसिपेट करना भी इंपॉर्टेंट है। द मेन टाइप्स ऑफ एडवर्स इवेंट्स एसोसिएटेड विद इन्वेसिव प्रोसीजर्स एंड सर्जिकल केयर आर, अब आपके पास एडवर्स इवेंट्स कौन से हैं जो कि इन्वेसिव प्रोसीजर से हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले पूरे इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड है, इन्फेक्शन कंट्रोल अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके पास एडवर्स इवेंट्स आ सकते हैं। इन एडुकेट पेशेंट मैनेजमेंट है, पेशेंट मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। फेलियर बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, यानी कि अब आपके पास क्या है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है कि वो पेशेंट से ड्यूरिंग बिफोर और आफ्टर जो है वो कम्युनिकेट कर सके, उसको सर्जिकल प्रोसीजर से रिलेटेड बता सकें, ठीक है जी, कि वो किस तरह से हो रहा है, उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है, आप पेशेंट की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और पेशेंट की फैमिली की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, आप जो है वो पेशेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो है ये पहले कम्युनिकेट करनी ज़रूरी है। पेशेंट को भी हर एडवर्स आउटकम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन देना भी ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जिम्मेदारी, और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो अपने पार्ट पे यानी वो एडवर्स इवेंट्स का जो चांसेस है उनको बढ़ाने का रोल प्ले कर रहा है। अब आपके पास वेरिफिकेशन प्रोसेस है फॉर इम्प्रूविंग सर्जिकल केयर, इसमें यह है कि गाइडलाइन आप किस तरह क्या गाइडलाइन हो सकती है और गाइडलाइन जो है सर्जिकल केयर में वो कौन कौन सी हो सकती हैं। अब ये बेसिकली आपके पास एक गाइडलाइन के लिए चेकलिस्ट है कि पेशेंट अगर आपके सर्जिकल रूम में आ गया है तो आपने पेशेंट को एनेस्थीसिया देने से पहले, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, पेशेंट से जो है वो आपने क्या क्या चीज़ें पूछनी है और आपने ये जिन चीज़ों को खुद किस तरह से कंफर्म करना, ठीक है जी। कैसे कंफर्म करना है कि हैज़ द पेशेंट कन्फर्म्ड हिज और हर आइडेंटिटी साइट प्रोसीजर एंड कंसेंट, यानी पेशेंट ने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है कि उसकी आइडेंटिटी सही है, यानी वही पेशेंट है जिसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म होना है, उसकी सर्जिकल साइट कौन सी है, उसको पता है कि प्रोसीजर कौन सा परफॉर्म होना है, उसका कंसेंट पेशेंट से लिया गया है कि नहीं लिया गया, इस चीज़ों को इन चीज़ों को चेक करना है। जो सर्जिकल साइट है वो मार्क्ड है कि नहीं है, यानी अगर जिन सर्जरी में इस तरह की जरूरत होती है पहले मार्क की, अगर है नॉट एप्लीकेबल है तो ठीक है आपने उसको चेक कर देना है। इज द एनेस्थीसिया मशीन एंड मेडिकेशन चेक कंप्लीट, यानी जो भी एनेस्थीसिया मशीन है और जो भी मेडिकेशंस आपको रिक्वायर्ड है उस टाइम पे वो कंप्लीट है। पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो पेशेंट के पास यानी ये है और फंक्शनिंग है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पेशेंट की कोई नॉन एलर्जी तो नहीं है, कोई भी उसको किसी भी तरह का एस्पिरेशन का रिस्क या कोई डिफिकल्ट एयरवेज तो नहीं है, कोई भी ब्लड लॉस का खतरा तो नहीं है, इससे पहले जो है वो जो भी टेस्ट करवाए जाते हैं इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सर्जरी से पहले, वो सारी चीज़ें जो है इन चीज़ों को आपने चेक करना है। उसके बाद ये है कि स्किन इंसिजन से पहले, ठीक है जी, यानी कि अब आपने अपने एनेस्थीसिया देने से पहले पहले वाली चीज़ें चेक कर ली, अब अगले स्टेप आपके पास आ रहे हैं कि स्किन इंसिजन से पहले जो चीज़ें आपने देखनी है कि कंफर्म ऑल टीम मेंबर्स हैव इंट्रोड्यूस देमसेल्फ बाय नेम एंड रोल, यानी कि जो जो आपकी सर्जिकल टीम का हिस्सा है अब उन सब ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, आपको पता है कि वही लोग हैं। पेशेंट का नेम प्रोसीजर वगैरह कन्फर्म करना है और इंसिजन कहाँ पर होना है इस चीज़ को कन्फर्म करना है। एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्सेस की अगर ज़रूरत है तो आपने उनको जो वो पेशेंट को दे दी हैं नहीं दी हैं, कितने टाइम पहले दी हैं, एप्लीकेबल है नहीं है, इन सारी चीज़ों को कन्फर्म करना है।
इसके अलावा यह है कि जो एंटिसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट्स है, यानी जो क्रिटिकल इवेंट्स ऐसे हैं जिनके होने के चांसेस हैं, आपने उनको देखना है कि कोई भी स्टेप्स हैं इस तरह के जो कि लेने चाहिए थे वो लिए गए हैं कि नहीं लिए गए, और जो ये पूरा प्रोसीजर है वो कितना टाइम लेगा, एंड कोई भी ब्लड लॉस का खतरा जो है इसमें कितना ज़्यादा है, उसको ठीक करने के लिए जो है मतलब फ़ौरन जो है वो आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो, कोई पेशेंट स्पेसिफिक कंसर्न हैं, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो आपने स्किन इंसिजन से पहले देखनी है। फिर ये नहीं है, बेसिकली एक चेकलिस्ट है कि जिसको अगर आप साथ साथ जो है वो देखते जाएंगे और इसको जब अप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास जो भी एडवर्स इवेंट्स हैं उनके रिस्क हैं वो कम होते जाएंगे। इसके अलावा ये है कि ये सारा कुछ हो गया, सर्जरी हो गई, बिफोर पेशेंट लीव्स ऑपरेटिंग रूम, पेशेंट के ऑपरेटिंग रूम को छोड़ने से पहले पहले जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो ये है कि आप वर्बली जो है वो कन्फर्म कर सकते हैं कि प्रोसीजर का नाम क्या था। इसके अलावा जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट्स स्पंजेस वगैरह जो सारा कुछ यूज़ किया है वो आपने उनका जो काउंट था वो वही था जो सर्जरी से पहले था, जैसे आप हमारे पास यहाँ पे अक्सर केसेस सुनने को मिलते हैं कि जी सर्जरी के बाद वो जो कोई भी सीजर थी या कोई भी इस तरह का गॉज था वो पेशेंट के अंदर ही रह गया, वो साथ उस तरह स्टिच हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ों को जो है रिड्यूस करने के लिए इस तरह के इवेंट्स को आपने वर्बली कन्फर्म करना है। जो भी अगर पेशेंट को बायोप्सी वगैरह ले ली गई है उस टाइम पे, तो ये कि उसको स्पेसिमेन को जो है वो आपने उसको नेम करना है, उसको लेबल करना है। इसके अलावा ये है कि कोई भी इक्विपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग सर्जरी आपको आई हैं जो मसला कर सकती हैं, इवन किसी और पेशेंट के ऊपर यूज़ करते हुए भी, तो उनको भी आपने एड्रेस करना है, उनको भी आपने नोट करना है ताकि आप उनको ठीक कर सकें। जो भी इक्विपमेंट अगर आपका ख़राब है, हाई प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, उसको आप कर सकें, ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये बेसिकली आपकी सारी आ जाती हैं जो कि आप लोगों ने वेरीफिकेशन प्रोसेस में आ जाती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा प्रैक्टिस ऑपरेटिंग रूम टेक्निक्स दैट रिड्यूस रिस्क एंड एरर्स। अब आपके पास कुछ ऑपरेटिंग रूम टेक्निक्स हैं जो कि अगर आप उनको प्रैक्टिस करते हैं तो भी रिस्क और एरर्स को रिड्यूस किया जा सकता है। उसमें यह है कि पार्टिसिपेटिंग इन टीम ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग, यानी उसी तरह की जो एक्टिविटीज़ या कोई मीटिंग्स होती हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करें, अप्रोप्रिएटली शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अप्रोप्रिएटली शेयर किया जाए। अगर कोई कंसर्न्स हैं आपको, कुछ खतरा लग रहा है किसी चीज़ में, तो आप उसको शेयर करें, ये सोच के ना मतलब बैठे रहें कि नहीं इस शायद मैं गलत बोल रहा हूँ या कुछ है, इस तरह की चीज़ नहीं है। आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछें, असर्टिंग वन सेल्फ अप्रोप्रिएटली, अपने आप को प्रॉपरली जो है वो चीज़ के लिए काबिल बनाएं कि आप ये कर सकते हैं। स्टेटिंग और शेयरिंग इंटेंशंस, टीचिंग, मैनेजिंग वर्कलोड, ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेटिंग रूम टेक्निक्स में आ जाती हैं जो कि आप विद प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा सर्जिकल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी मीटिंग्स हैं, वो बेसिकली उनका यही मकसद होता है जो मैंने पहले बताया कि इज़ द मीटिंग स्ट्रक्चर्ड, फिर ये देखना है कि मीटिंग आपकी स्ट्रक्चर्ड है, एम्फेसिस हो रहा है एजुकेशन के ऊपर और या अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, और आप इस जो पूरी डिस्कशन थी इसका गोल आपके पास बेसिकली यही है कि आपने मॉर्टेलिटी को या जो आपके डेथ रेट है, मॉर्बिडिटी है, आपने उसको कम करना है। तो प्रिवेंशन जो है वो सारी डिस्कशन का गोल है कि नहीं है। आर दीज मीटिंग्स कंसिडर्ड अ कोर एक्टिविटी, ये इन मीटिंग्स को कोर एक्टिविटी कंसिडर किया जा रहा है कि नहीं है। इज एवरीवन इन्वॉल्वड, आर जूनियर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू अटेंड, हाउ आर डेथ्स हैंडल, डेथ्स जो हो जाती है उनको हैंडल कैसे किया जा सकता है, क्या इज अ रिटन समरी ऑफ द डिस्कशन कैप, यानी जो सारी डिस्कशन है, सारी आपकी मीटिंग्स हुई हैं इनका कोई रिटन समरी रखी जा रही है कि नहीं रखी जा रही। समरी बेसिकली क्या है कि द वैल्यू ऑफ गाइडलाइंस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द गाइडलाइंस। अब आपको गाइडलाइंस की एक वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, जो भी अब जैसे भी हम लोगों ने वेरिफिकेशन प्रोसेस को पढ़ा, बेसिकली गाइडलाइंस ही थी कि आपने किस किस चीज़ को किस तरह से फॉलो करना है। तो जब ये चीज़ें आपके पास होंगी आपको दो दफ़ा देखने की जरूरत पड़ेगी, चार दफ़ा, छः दफ़ा, दस दफ़ा, आप देखोगे ग्यारहवीं दफ़ा ये चीज़ें आपके मतलब आपकी एक रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाएंगे कि आपने जो है वो इन चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है जी। इसके अलावा यह है कि वेरिफिकेशन स्टेप्स कैन मिनिमाइज मिस्टेक्स इन पेशेंट आइडेंटिटी, पेशेंट आइडेंटिटी में जो है वो वेरिफिकेशन स्टेप्स हैं वो काफ़ी कुछ जो है कोई भी उसकी मिस्टेक्स कोई भी हो जाती हैं, ये वही बात गलत प्रोसीजर या गलत पेशेंट के ऊपर, तो उस तरह के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। द यूज इफ एवरी डे टेक्निक्स कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड मिनिमाइज एरर्स, और आपके पास जो एवरी डे टेक्निक्स हैं वो इस तरह की कम्युनिकेशन जो है वो इस तरह के एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उनको इस्तेमाल करना जरूरी है, ठीक है जी। तो ये आपका छोटा सा लेक्चर था यू सेकंड वाला, अब आपका सिर्फ एक लेक्चर रह गया है मेडिकेशन से रिलेटेड है, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ही आप मुझे बता दीजिएगा कि जो है अगर आप लोगों ने कोई टॉपिक रिपीट करना है, रिवाइज करना है, तो उसके लिए पूरा वीक आपके पास है, आप इसलिए टॉपिक्स देख लीजिएगा उनको एक दफ़ा, ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ आएगी उसको नोट कर लीजिएगा, मुझे बेशक ईमेल आप लोग एक दफ़ा कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि मैं उसका एक प्लान कर लूँ कि कौन कौन से टॉपिक जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करना है, ठीक है, कि जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा मुझे उसका नाम लिख के आप एक एक ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है, कि उसको रिवाइज करवा दें, उसको रिपीट कर दें, ठीक है जी। लेकिन पहले ये है कि खुद थोड़ी सी एफर्ट कर लें, पहले खुद थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद फिर आप मुझे कहें कि मैं उसको रिपीट कर दूँ। मैम ये जो टेबल चार्ट था ये मतलब पढ़ना है? पढ़ लें आप, हाँ पढ़ना इस सेंस में है कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, याद आप इसको नहीं कर सकते हैं, सीधी सी जो बात है,
आप इसको याद नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आपको अगर मैं आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछूं भी इस चीज में, इस चीज से रिलेटेड, या वही बात है कि अगर पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो एटलीस्ट आपको स्टेप्स तो आने चाहिए ना कि कौन कौन से हो सकते हैं. हाँ, बीच में हर चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है, वही बात है कि काफी वो डिटेल है, काफी छोटी छोटी चीजें हैं. ये चीजें तो आपको विद प्रैक्टिस आती हैं जब आप ये चीज अपने हाथ से करते हो, जब आप इस चेकलिस्ट को फॉलो करते हो तो, ठीक है. लेकिन अभी आप पढ़ने के मकसद से कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता जरूर होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें हो रही हैं, ठीक है. या आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको याद करो या इसको याद करके लिखो किसी कागज के ऊपर, ऐसा नहीं करो, लेकिन एटलीस्ट आपकी नॉलेज में ये चीजें होनी चाहिए. अगर कोई सडनली आपसे क्वेश्चन कर ले कि भाई आप पेशेंट को वेरीफाई कैसे करेंगे, तो आपको ये बताना आना चाहिए कि आप पेशेंट को वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है. समझ रहे हैं इस चीज को? यस मैम. जी चलें जी, ठीक है. लेक्चर में एंड कर रही हूँ, कोई क्वेश्चन होगा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा, ईमेल कर लीजिएगा, जिस टाइम भी आप लोगों को फिजिबल है, ठीक है जी. चलो सही है. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ मैम.